ठाकुर हमको मिला है। कहीं जाओ मत जाओ, अपने मन को पवित्र बनाकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण। जरूरी नहीं कि किसी तीर्थ में बैठोगे तो भगवान मिलेगा, जरूरी नहीं कि कहीं नदी के तट पर जाकर बैठोगे तो भोलेनाथ मिलेगा, जरूरी नहीं कि घर छोड़कर बाबा बन जाओगे, साधु बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, तपस्वी बन जाओगे, साधक बन जाओगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा नहीं बनना है। शिव महापुराण की कथा है, कथा कहती है हमें बाबा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा का बनना है, हमें भोलेनाथ का बनना है, हमें शिव का बनना, हमें ओघड़दानी शंकर का बनना, हमें हमारे ओघड़दानी शिव तत्व का बनना। अगर कोई आपसे कह दे अपना घर छोड़कर बाबा बन जाना, ना ना, कह देना सियोर वाला महाराज मना करा, हमें बाबा नहीं बनना, हमें बाबा का बनना है। बाबा बनना अलग बात है और बाबा का बनना अलग बात है। एक बेटा अपने पिता के साथ अगर घूमने जाता है ना, अगर बेटा पिता के साथ घूमने जा रहा है और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत भीड़, अब इतनी भीड़ होने पर बेटा और पिता दोनों साथ में हैं और इतने में बहुत भीड़ पड़ रही हो और पिताजी बेटे से कहें कि बेटा एक काम करो कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, पिताजी बेटे से कहें कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, उस जगह पर बेटे की चतुरता होना चाहिए कि बेटा अपने बाप से कह दे, अपने पिता से कह दे, पिताजी अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है कहीं छूट जाए, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि बाप अगर हाथ पकड़ता है तो फिर छूटता नहीं। अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है छूट जाए, पर अगर मेरा भोले बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव जब आपका हाथ पकड़ता है तो निश्चित है कि वह छूटता नहीं। क्यों छूटेगा? हम हमेशा एक बात कहते आए हैं कि मंदिर जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब, एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब है कि आप जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जब अपना हाथ आगे बढ़ा दोगे, जब अपना हाथ शंकर को पकड़ा दोगे, एक लोटा जल के बहाने ये हमारा हाथ शंकर के ऊपर जाता है, तो ऊपर नहीं जाता, मेरे ओघड़दानी जल चढ़ते से ही अपने शिव भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहीं गिरने नहीं देते, उसे कहीं गिरने नहीं देते। हमारे पास में कई लोग सूचना करते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में वही की वही भजन दोहराते रहते हो, आप अपनी कथा में वही की वही लाइन दोहराते रहते हो, बार बार इतनी कथा सुनी हमने, आपके भजन वही चलते हैं, आपकी लाइनें वही चलती है कथा में, आपके जो भजन की टिप है वो वही की वही चलती है, उसका कारण क्या है? हम पूरे शिव भक्तों से इतना चाहते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में भजन या एक लाइन कीर्तन की बोली जाती है वो लाइन आप भी गुनगुनाओ, तो कभी शंकर के मंदिर में खड़े हो गए तो बाबा के मंदिर में भी आपको वो लाइन का स्मरण होगा कि अंत समय प्रभु, जितने बैठे हो साहब गाइए, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु। हम बार बार उस लाइन को इसलिए गुनगुनाते हैं कि आपकी चित्तवृत्ति में बैठ जाए कि अंत समय में उस भोले को बुलाना, अंत समय में उस परमात्मा को बुलाना, अंत समय में उस शिव को बुलाना। और जब हम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर को भजेंगे, भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो वो कैसे ना आएगा? कल कथा अपन सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज, भगवान सुखदेव जी महाराज की कथा का आप और हमने स्मरण किया। जब हम भगवान शंकर की कथा का पवित्र स्मरण कर रहे थे तो उसमें एक प्रसंग में तीन बातें राजा जनक जी ने, राजा जनक जी ने तीन बातें श्री सुखदेव जी महाराज से कही।
उसमें एक बात राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कही कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, पर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त और अपने अपनों के साथ में घर में रहना बड़ा कठिन है। साधु बन गए, घर छोड़ दिया, अकेले तो कहीं पे भी रह लो, अकेले तो तुम होटल में पड़े रहो तो तुम्हारा मन लग जाएगा, पर घर में तो रहो, घर में। इधर से माता जी कुछ कहे, उधर से पिताजी कुछ कहे, उधर से पत्नी कुछ कहे, उधर से पति कुछ कहे, उधर से भाई कुछ कहे, उधर से बहू कुछ कहे, उधर से रिश्तेदार कुछ कहे, तब घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना सबसे कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है गृहस्थाश्रम में रहना। और जितने सन्यासी थे, जितने तपस्वी थे, जितने साधक थे, उन्हें भगवान बहुत बाद में मिला, जो ग्रस्ती थे उनको भगवान जल्दी मिल गए। मीराबाई ग्रस्ती थी, पति परिवार के साथ रहती थी, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई भगवान मिल गए। नामदेव जी भगवान मिल गए। संत तुकाराम जी भगवान मिल गए। मुक्ताबाई भगवान मिल गए। बड़ी सरलता से रामकृष्ण परमहंस भगवान मिल गए। ग्रस्ता आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रहकर आप अगर भगवान को एक क्षण भी पुकार रहे हो तो भगवान आपको प्राप्त। ग्रस्ता आश्रम में अगर आपने परमात्मा को पुकारा, एक क्षण भी पुकारा, तो परमात्मा आपको मिल रहा, भगवान आपको मिल रहा। राजा जनक जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि ग्रस्ता आश्रम में पढ़िए, शादी करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं और शादी विवाह कैसे कर, मैं शादी कैसे कर, नहीं शादी तो करना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं किससे शादी करूं। सुखदेव जी महाराज ने पूछा राजा जनक जी से, आप मेरे गुरु हो, आप आज्ञा करिए कि मैं विवाह किससे करूं। इतने में राजा जनक जी ने कह दिया जन्म मरण और परण। जन्म डॉक्टर बोल भी देना कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, पर जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जन्म मरण, किसी ने हाथ देखकर कह दिया, पत्रिका देखकर कह दिया खूब लंबी उम्र है, खूब जियोगे, 80 साल, 90 साल, 100 साल, खूब लंबी उम्र है, मालूम पड़े अटैक आया, निपट गया, बैंक का खाता बंद, चल समाप्त, चला। अब तो किसी ने, महाराज जी तुमने तो पत्रिका देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, तुमने हाथ देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, और ये तो अटैक आया और चले गए। और किसी किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी अंतिम सांस चल रही है, इसको घर ले जाओ, उसको घर ले गए, चार बार गोबर से लीप के नीचे सुला दिया तो भी प्राण नहीं छूटे, वो जैसी की जैसी थी, वो जैसा की जैसा ही था, मरा ही नहीं। जन्म मरण और तीसरे नंबर पर है परण। परण मतलब शादी विवाह, किसके साथ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये उसने निश्चित कर कर रखा। परण ये उसने निश्चित कर, मेरी जीजियां बैठी हैं यहां पर, मेरे जीजा बैठे हैं यहां पर, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। मेरी जीजियों से पूछूं कि आपके घर के लोगों ने आपके लिए कितने लड़के देखे, कितने, ढेर सारे लड़के आप लोगों के लिए देखे, पर आपकी किस्मत में जो लिखा था वही मिला। और यहां मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, उनसे कहूंगा आपके लिए कितनी लड़की देखी, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त। जन्म मरण और परण, ये तीन शिव के हाथ, आपके सोचे से कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जाइए, आपकी भक्ति का बल जब बढ़ेगा, आपके विश्वास का बल बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा का बल बढ़ेगा, जब आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने लगोगे, तब भगवान ने तुम्हारे ललाट में जो स्त्री लिखी होगी वो तुम्हें मिल जाए। जाइए।
चले सुखदेव जी महाराज वन में पहुंच गए। एक बड़ी सुंदर कथा पितृपक्ष के अंतर्गत है, आप स्मरण करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुनिए, बड़े भाव से। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा आती है, विदेश्वर संहिता। एक पितर की तीन बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है, सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है, पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा, क्योंकि पितरों की तीन बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। पितरों की तीन बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हम पृथ्वी लोक पर चले तो जाएंगे पर हमारा कल्याण कैसे होगा। तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में तीन देवियां खेलेंगी, मैना तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी, धन्या तू सुनैना बनेगी तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी, कला तू कीर्ति बनेगी तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये तीन देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा, तुम्हारा भी। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की तीन बेटियों का, अब कथा आती है एक बबराज नामक, एक बबराज नामक सुंदर लोक है पितरों का। बबराज नामक एक सुंदर पितृलोक है, बड़ा सुंदर पितृलोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने एक भाई के साथ में विराजमान। बबराज नामक लोक में बरिपक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं, पितृदेव। अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ, क्यों, किस लिए, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कर रही है। बबराज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिर्पक्ष नाम के एक पितर विराजमान है। ये बहिर्पक्ष पहले पितर नहीं थे, पर ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे, इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान ना किया, अर्थात शिव का अभिषेक ना किया, शंकर भगवान की भक्ति ना करी। और कितने किस्मत वाले हो जे नांदगांव वालों, है महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष के अंतर्गत 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी, और आप और हम सब कथा के रसतत्व में बैठे हो। कितने किस्मत वाले, भाग्यशाली, ये आपके भाग्य की सराहना है आपको। और आज कितनी तारीख है, सत्ताईस, बाबा की भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में हमें लेना, अपने बरिपक्ष
शिव की भक्ति में लगे रहते थे, पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लगे भगवान वही पक्ष भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए थे। इतनी भक्ति करी कि देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, वर मांग तुझे क्या चाहिए, प्रभु जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक हो वो मेरे को दे दे, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम बड़े तकलीफ में, हमारा दुख दुख नहीं कट रहा, हमारा दुख बड़ा परेशान करे जा रहा है, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है जब रावण हमारे, लोग कहते हैं हमारी समस्या समाप्त नहीं हो रही, हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही, हम कहते हैं जब रावण कंस हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बकासुर अघासुर पूतना ताड़का आदि आदि जितने भी हैं असुर, जब वो समाप्त हो सकते हैं तो आप अपना कर्म करते जाओ, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते जाओ। जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, तो तुम्हारा दुख भी समाप्त जरूर होगा निश्चित। बस ये कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोगों को, आप सोचें कि हमने तो आज से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कल हमारा काम हो जाए, कल से जल, एक पत्र है देखिए, तो संचिता जितेंद्र पाटोले लक्ष्मी नारायण लांस धुलिया महाराष्ट्र कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आ जाइए एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। गुरुदेव मुझे एक बेटा और दो बेटियां हैं, मेरे पति बस कंडक्टर हैं, सब कुछ है भी और नहीं भी है। गुरुदेव जिम्मेदारियां बहुत थी, कुछ गलत संगत के कारणवश पति पड़ गए, तब बाबा पर भरोसा कर फिर कामकाज चालू करा और अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर लिया पर 3 साल निकल गए पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। मेरा बेटा कहता है माँ कहीं प्राइवेट में भी अगर जॉब लग जाए तो मैं कम से कम तुम्हारे को हेल्प तो करूं, पर प्राइवेट में भी जॉब मिलता नहीं। मेहनत करी प्राइवेट में जॉब किया, फिर आखिरी में बेटे ने कहा माँ आप कथा सुनती और कथा में वो सीओर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। तब मैंने अपनी पड़ोसन से पूछकर भगवान शंकर के पशुपति व्रत और शिवजी पे एक लोटा जल का वर्णन अपने बेटे को कहा और बेटे ने भी पशुपति व्रत और एक लोटे जल का महत्व को जाना और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव आज मेरे बाबा ने मेरे बेटे को 8 फरवरी 2024 को PWD गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में सिलेक्शन देते हुए साथ में उसकी नौकरी का भी अप्लाई आया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के, एक शिव भक्ति, एक शिव तत्व, एक शंकर भगवान की अविरल भक्ति हमारे जीवन में समाही, जीवन में समाही। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा डोर हंतो छड़ीना में कटी जावे भोले
मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर हंतो छड़ी ना मैं कटी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो उड़ती शिव तत्व एक बहन का बेटा पीडब्ल्यूडी में लग गया और दूसरी जो आई है 8 साल से बेटा सरकारी नौकरी की तलाश में था। बाबा के कावड़ यात्रा भरी सीहोर की और बाबा की कृपा से महाराष्ट्र पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और वो भी उसमें शिव तत्व अभी पुणे में सर्विस कर रहा है। पुणे एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर अगर होगी तो शिव तत्व जरूर मिलेगा, शंकर जरूर प्राप्त। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पाए अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो। ये मानव की देह, ये मानव का शरीर शिव तत्व से मिल तो गया, ये मानव की देह मानव का शरीर प्राप्त तो हो गया। कहा बहिर्पक्ष ने कहा शिव की आराधना से अगर मुझे देना चाहते हो तो सुंदर एक लोक दे दीजिए, बबराज नामक पितरों का एक लोक प्रदान कर दिया, शंकर ने दिया है, शिव ने। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक शंकर का जल चढ़ाया गया कभी खाली नहीं जा सकता, शिव का चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा। आज अगर काम नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा। अपनी जिंदगी में शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी निष्फल नहीं हुआ, उसका फल मिलता जरूर, वो जल का फल मिलेगा जरूर, खाली नहीं जा सकता। अब बहिर्पक्ष अपने पितृ लोक में रहने लगे, इतना सुंदर लोक, इतना सुंदर लोक, जिस लोक में सब श्वेत आनंदमय हो, सबकी भलाई का कार्य होता हो। दुनिया के लोग कहते हैं पितृलोक ऐसा है, पितृलोक वैसा है, पितृलोक ऐसा है, ना ना, श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो आप सब, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो और पंडाल में लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र नांदगांव से कथा का रसपान कर रहे हो। अपने भीतर उतारिएगा कि पितृलोक कभी बुरा नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं होता, पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में सामान मत खरीदो, पितृपक्ष में मकान मत बनाओ, पितृपक्ष में मकान का मुहूर्त मत करो, पितृपक्ष में ये मत करो, श्राद्ध में ये मत करो, श्राद्ध में वो मत करो, सबके हाथ जोड़ कर देना कि पितृपक्ष में मेरा शंकर देव अदिदेव महादेव और पितृदेव ये दोनों की कृपा बरसती है और हमारा कल्याण होता है। पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं है, श्राद्ध पक्ष कभी बेकार नहीं होता, श्रद्धा कभी बेकार नहीं होती। आपके भीतर की श्रद्धा होना चाहिए, किया गया अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं होता। आप अच्छा कर्म करते रहो, कभी
आपके जीवन में तकलीफ नहीं है, कभी तकलीफ नहीं है। कल हम जब आमदार श्री सुहास जी अन्ना जी के साथ में जब जा रहे थे यहाँ से, तो हमने उनसे ही कि सुहास भैया ये क्षेत्र में अगर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत भी रोग बीमारी का क्रम आता है तो उसका साथ, तो हमको तुरंत उसी समय पर अंजुम ताई बोली कि गुरुजी लगभग लगभग हमारे नांदगांव और आसपास के मनवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोगों को आंखों में तकलीफ होती है उसकी जांच कराना, जांच के साथ में उनको चश्मा लगवाना और उनका मेडिकल चेकअप करवाना, एम्बुलेंस की सुविधाएं, एम्बुलेंस उनके दरवाजे तक भेजना और उसका कोई शुल्क नहीं। हमने तुरंत श्रीमती अंजुम ताई के शब्द सुनकर हमने उनको धन्यवाद दिया कि आप दोनों को ये साधुवाद है कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा महंगा होता है मेडिकल, और आप इन साधारण सहज लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपने इतनी सुविधा दे रखी है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। ये साधुता है आप। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं अगर आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते मत दो, आप किसी को 54 नहीं दे सकते मत दो, पर इतना जरूर करो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे को एजुकेशन चाहिए, उस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, आप उसके पास में पैसा नहीं, आप उसको एजुकेशन दीजिए। मैं आपको सुहास भैया धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की एक एक बेटी को निःशुल्क आप कॉलेज की पढ़ाई करा रहे हो, उसके लिए साधुता है आपको, आपको उसके लिए साधुता है। एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन दीजिए। हमने फिर कहा आप 1 रुपए का दान किसी को नहीं दे सकते मत दो, अपने नजदीक में कोई रह रहा है, उसको बीमार है, तकलीफ में, और आपके दरवाजे पर अगर कोई आकर अलख जगा रहा है कि भैया मेरे यहाँ तकलीफ है और आपको ये बीमारी मालूम पड़े, आपका सहयोग मिल जाए, उससे बढ़कर क्या चाहिए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। आप 1 रुपए किसी को मत दो, नहीं देते मत दो, पर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो, आपके हाथों से सत्कर्म करते चलिए। सत्कर्म क्या पूछेगा ऊपर भोलेनाथ? अरे ओ नांदगांव वालों, ऊपर जाएंगे अपन तो भगवान क्या पूछेगा, तूने पाप कितने किए ये पूछेगा? अरे बोलो तो जमके नहीं, भगवान तुम्हारे जैसा फ्री नहीं है जो पाप पूछेगा कि पाप कितने किए। जैसे अपन लोग फ्री रहते ना तो दुनिया का बस यही देखते रहते, उसने क्या बुरा करा, क्या बेकार करा, क्या गलत किया, अपन 24 घंटे बस इसी में लग रहते। भगवान ऐसा फ्री नहीं बैठा कि तुमसे पूछेगा तूने पाप कितना किया। भगवान तुमसे ये भी नहीं पूछेगा कि तूने पुण्य कितना किया, ये भी परमात्मा नहीं पूछेगा। उसके पास में डायरियां बनी हुई है तेरे पाप की, तेरे पुण्य की। जब अपन पैदा हुए अपने अंदर एक सिम फिट करके जन्म दिया है परमात्मा ने, उसके पास सारा लेखा जोखा, एक बटन दबाएगा तेरे पाप और पुण्य का लेखा उसके पास आ जाएगा कि कहां भेजना है। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आजकल चित्रगुप्त महाराज भी लैपटॉप रखते हैं। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आज के समय में चित्रगुप्त महाराज लैपटॉप रखते हैं, एक बटन में दबाते हैं, बस दबाते थे देख लेते कितना पाप कितना पुण्य। बस उसी तरह भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा पाप कितना किया, भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने पुण्य कितना करा, पर भगवान तुमसे जरूर पूछेगा कि तेरे को मनुष्य का शरीर दिया था, पृथ्वी पे जाके एंजॉय कितना किया, खुश कितना रहा, सुखी कितना रहा, तूने अपने आनंद में जीवन को कितना दिया। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, 83,99,999 जन्म निकलने के बाद 84 लाख में नंबर का जन्म है मनुष्य का जन्म, और उस मनुष्य के जन्म में तूने भजन नहीं करा, मनुष्य के जन्म में तूने भक्ति नहीं करी, मनुष्य के जन्म में तूने किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, मनुष्य के जन्म में तूने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, अपनी प्रसन्नता में जिया नहीं, पूरी जिंदगी रो रो के मर गया। कभी अभी हमने कथा में कहा था छत्तीसगढ़ में बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में अलोम विलोम, जिंदगी समाप्त। बचपन में होमवर्क, जवानी में जमके तो बोलो, जमके बोलो, होम लोन और बुढ़ापे में अलोम और बिलोम, बस बुढ़ापा तक समाप्त, ये जीवन निकल गया। बचपन होमवर्क करते करते निकल गया, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, दोचे पीटे होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, और जवानी में पत्नी पति से बोले, पति पत्नी से बोले, अपन दोनों पुणे में रह रहे हैं, एक फ्लैट ले लें, होम लोन होम लोन होम लोन, और लोन चुकाते चुकाते फ्लैट 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 फ्लैट, आखिरी में गया लेट और हो गया लेट। बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं दे रहा, तो सुबह से शाम तक
अलोम और बुढ़ापन निकल गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापन गया। परमात्मा पूछेगा पाप कितना किया, भगवान इतना फ्री नहीं है तुमसे पूछे कि पाप कितना किया, भगवान इतना फ्री नहीं है कि तुमसे पूछे कि पुण्य कितना करा। भगवान तुमसे पूछेगा मनुष्य का शरीर दिया था, क्यों रे, नांदगांव में कथा हो रही थी, गया था, बैठा था, चले जाता, थोड़ा एंजॉय कर लेता, कहीं बैठकर कथा का रिस्पान कर लेता, ये मानव का शरीर मिला था तूने यूं ही गवा दिया, बड़ी मुश्किल से मिला था यूं ही चले गया। 7 दिन की कथा में आज 2 दिन चले गए, कितने दिन बचे, अरे बोलो तो, 5 दिन, 5 दिन ऐसे ही चले जाएंगे। और तुम सोच सोच कर रह जाओगे, अब बस कल जाऊंगी, बस कल जाऊंगी, और कल से पहले, कल दोपहर में कथा होने वाली है 1 बजे से, और उसके पहले रात्रि के 11:30 बजे छाती में दर्द हुआ निपट गई तो क्या करोगे, करोगे क्या, किसको भरोसा, किसको भरोसा। अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, कौन सा भरोसा। खुश होकर जियो, फुल एंजॉय, अपना मानव का देह मिला है, कभी किसी का बुरा मत करो, फुल आनंद के साथ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, अपने आनंद में खुशियों के साथ जियो, रोकर नहीं, स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कह देता है जब फोटो खिंचवाने जाओ तब, फोटो वाला भी कहेगा AI स्माइल, ए भाऊ स्माइल। फिर निवेदन है, कितने सारे लोग फोटो ले लेके आए हैं अपने पूर्वजों का, फोटो को देखकर जरा विचार करो, इनका एक ही फोटो है। आपसे निवेदन है जिंदा होना तब तक DP पे रोज फोटो बदलो, नहीं तो आखिरी में तो ये एक दीवार पे भी लग जाता है, दीवार पे। और जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, उतना सेल्फ जीवन में स्माइल दीजिए, उतना अपने जीवन में स्माइल, खुश रहो, प्रसन्न। जितने प्रसन्न रह सकते, कर्जा हो गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ आ गई ना कोई बात नहीं, दुख आ गया ना कोई बात नहीं, तो भी प्रसन्न, तो भी खुश रहो। आप प्रसन्नता का जीवन जियो, प्रसन्नता का। अपने क्षेत्र का आनंदमय भाव प्रसन्नता में रखो, प्रसन्नता। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वही पक्ष सुंदर पितृलोक प्राप्त कर लेते हैं, बबराज नामक लोक में वही पक्ष रहते हैं, उन्होंने नियम बना लिया हमारे पितृलोक में प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि पर उत्सव मनाया जाएगा, शंकर का पूजन अभिषेक किया जाएगा। एक दिन वही पक्ष पितरों की आराधना कर रहे थे, बहिर्पक्ष पितृपक्ष में शिव की आराधना में लीन थे शंकर के। कोई तुमसे पूछे हम पितरों की पूजन करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं, कोई तुमसे पूछे कि हम पितरों की पूजन करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं, उस समय पर आपका जवाब होना चाहिए कि पितृलोक में रहने वाले बहिर्पक्ष, पितृलोक में रहने वाले वही पक्ष पितृ शंकर भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, शिव की आराधना में लीन रहते हैं शंकर के, वही पक्ष शिव की आराधना, वही पक्ष बैठे थे। मासिक शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन था, उनके मन में आया मेरे घर में कोई ऐसी बेटी का जन्म हो, ऐसी कन्या का जन्म हो, ऐसी बेटी का जन्म हो जो संसार सागर में अपने आनंद के साथ जिए और जीवों का कल्याण करे। बहिर्पक्ष के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पीवरी हुआ, पीवरी। पीवरी बड़ी हुई
शिवरात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम था कि पितृ पक्ष में 16 दिन जो पितरों के होते हैं, इस पितृ पक्ष के अंदर 16 दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृ पक्ष में जो शिवरात्रि आती है, इसके स्मरण में नहीं था। बच्चे थी, इसके स्मरण में नहीं आए, इसके स्मरण में नहीं। पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत, आश्विन के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन बैठी और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही, पार्थिव लिंग का निर्माण करते करते पार्थिव लिंग के निर्माण का पूजन कर रही थी, और पूजन करते करते उसके मन में आ गया, उसके मन में आया कि मैं विवाह करूं उससे, मैं विवाह उससे करूं जो संसार सागर के कल्याण की बात कर। संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात, मैं विवाह उससे, पीवरी के मन में आ गया। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल 40 साल 30 साल हो गए, शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक एक बूंद घी, गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे, और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से, अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे, तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा, उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौ माता के दूध से बना हुआ घृत, और निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 35 साल 40 साल 30 साल 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, तो उनसे निवेदन करेंगे, उनसे निवेदन, प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से, नकली नहीं, नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा है तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है, कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चलाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो, असली दीजिए, गौ माता का दीजिए, एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, देसी गाय के घृत, थोड़ा सा भी दो पर भगवान को शुद्ध दो, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं चाहिए, प्रेम वश भगवान को। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन, अगर बन सके जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृ दोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए, तुम महादेव के पास जाइए, संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिद महादेव को घृत का लेपन कर उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करो, घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ, अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृ पक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा, केवल पितृ पक्ष की, पितृ पक्ष के अंदर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंगो छंडीला में कटी जावांगी। पितृ पक्ष की शिवरात्रि में आप ये कर्म कर सकते हैं, और बड़ी सहजता से सुन लीजिए, बहुत सहजता से, बाबा
जो बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को चार गुना बढ़ा ले। अपनी मेहनत को चार गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौ माता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवदीप महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर। डंडी का मुख कहां पर हो, जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है, उत्तर की ओर डंडी का मुख। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने ये पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं है। पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है, आनंदमय। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर अतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पर शंभो मैं तेरी पर हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। पितृपक्ष में पढ़ने वाली शिवरात्रि पीवरी ने भगवान शिव से वर मांगा, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शंकर का ही स्वरूपांश श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान शिव का एक अंश स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज। एक बार ये कथा कह रहे थे तो किसी ने पूछा कि सुखदेव जी भगवान शंकर का अंश कैसे हो गए, तो कहा जिस समय पर भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुनते समय त्रिशूल लेकर माता पार्वती चारों तरफ घूमी, सबको भगाया, तोते का अंडा कोटर में गिर गया, उस अंडे के अंदर तोते का बच्चा था जिसने शंकर भगवान के मुख से अमर कथा को सुन लिया, और वो तोते का बच्चा जब भागा तो व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव, दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। भगवान शंकर की वाणी के द्वारा इसका प्रागट्य है, इसलिए भगवान शिव तत्व के द्वारा इसको अमर तत्व प्राप्त है, इसलिए इसको भगवान शंकर का ही अंश कह दिया, भगवान शिव का ही अंश बोल दिया, भगवान शुकदेव जी। पीवरी भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई पीवरी, भगवान शिव तत्व को प्राप्त करने वाली पीवरी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाली पीवरी भगवान शिव से वर मांगती है कि मेरे को पति मिले तो आप सासुरु, आप अमर तत्व को धारण करने वाला। भगवान शंकर ने पीवरी का विवाह का वर दे दिया कि आपका विवाह सुखदेव जी के साथ होगा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के साथ। और महाराज भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा, शिव तत्व कह रहा, पीवरी पीवरी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से भी आई। हमारे बीच में इस क्षेत्र मिनिस्टर डॉक्टर भारती पवार जी आई हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आप आकर व्यासपीठ को नमन कर लें। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव तत्व की प्राप्ति हो, सुखदेव बाबा
जो भगवान शंकर का ही एक अंश स्वरूप, भगवान शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का ही एक अंश, शिव का ही एक भगवान देवद्र महादेव का ही एक अंश स्वरूप, श्री सुखदेव जी महाराज पीवरी के साथ भगवान श्री सुखदेव जी महाराज मंगल विवाह हुआ। पितृपक्ष की शिवरात्रि के अंतर्गत हम जो बाबा से कहते हैं, हम जो बाबा से विनय करते हैं, बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा वो सुनता है। और केवल शिवरात्रि ही नहीं, केवल शिवरात्रि ही नहीं, पितृ पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, उस पक्ष में अगर हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनय कर रहे हैं, भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं, तो शिव हमारी मान रहा है, सुन रहा है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं इस नांदगांव के इस पवित्र प्रागण्य में, पितृपक्ष की इस कथा में फिर वर्णन कर रहे हैं, शिव तुम्हारा शरीर नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा आभूषण नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा धन नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारी संपदा नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा केवल हृदय भक्ति और उस भक्ति का विश्वास श्रद्धा वो देखेंगे, शिव तुम्हारा विश्वास, शिव तुम्हारा भरोसा, शिव तुम्हारी भक्ति। भक्ति के बल पर ही तो परमात्मा आता है, भक्ति के बल पर ही परमात्मा प्राप्त होता है, भक्ति के बल पर ही भगवान आते हैं, भक्ति के बल पर ही परमात्मा पहुंचता है। कहा विदर्भ राज भीष्म की कन्या रुक्मणी और कहा द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश, कहा द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश, जरा विचार करिए, एक तरफ विदर्भराज भीष्मक की कन्या रुक्मणी है, दूसरी तरफ द्वारका नाथ है, द्वारका नाथ कभी रुक्मणी को नहीं देखे थे, रुक्मणी कभी द्वारकाधीश को नहीं देखे, रुक्मणी ने कभी भगवान द्वारका नाथ को नहीं देखा था, रुक्मणी ने कभी द्वारकाधीश को नहीं देखा था, और द्वारकाधीश ने कभी रुक्मणी को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा, केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा। देखिए एक पत्र है बड़ा सुंदर, भरोसा किसे कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, ये देखिए, गुरुदेव मैं मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का ये मोबाइल नंबर है, हनुमान नगर मनमाड़ की मैं रहने वाली हूं, कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते, बच्चे आए हैं क्या साथ में, आए हैं, लिया दोनों को, लिया लिया ये। गुरुदेव में मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का नाम, पति का मोबाइल नंबर ये है, हम लोग हनुमान नगर मनमाड़ के रहने वाले हैं, मेरी शादी को 29 साल हो गए थे गुरुदेव, कितने साल हुए, जम के बोलो जरा, 29, मेरी शादी को 29 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था, पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, 29 साल शादी को हो गए लेकिन संतान का सुख नहीं था, सभी जगह मैंने इलाज करवाया लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ, फिर मेरी सासू माँ ने सफ़ेद आंकड़े की प्रयोग के बारे में बताया और मैंने और मेरी सासू जी ने साथ में ही पशुपति व्रत शुरू किया, मेरी सासू माँ महाराष्ट्र के सभी शिव कथा में, मेरी सासू माँ महाराष्ट्र में जितनी शिव पुराण हुई कोई शिव पुराण मेरी सासू माँ ने नहीं छोड़ी, प्रत्येक शिव पुराण में मेरी सासू माँ
जाती सुन्ने पंडाल में, और वहां से पंडाल की मिट्टी को, व्यासपीठ के सामने की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर ले आती, मिट्टी को लाकर देती और मुझसे कहती कि इस मिट्टी को तेरे गर्भ से तेरे पेट पर लगा। मैं लगाती, बाबा की मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं जो हमने ना करवाई हो। जब सब दूर से हार गए, दुनिया के लोग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल संतान के लिए इंतजार करते हैं, गुरुदेव मैं 29 साल तक इंतजार करी अपनी औलाद के लिए, 29 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। तब मैंने पंडाल में मेरी सास जाती, वहां की मिट्टी लाती, मैं पेट पर लगाती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 14 फरवरी 2023 को बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, बाबा ने मुझे जुड़वा 2 बच्चे दिए। बाबा, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, आज 29 साल बाद मेरी गोद में किलकारियां खेली हैं, दोनों बच्चों के फोटो भी लगा रही हूँ, लिया। 29 साल के बाद लिया बेटा। देवाधिदेव महादेव की कृपा जब होती है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर। उनतीस साल के बाद देवाधिदेव महादेव ने बच्चे दिए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया। एक बेटा एक बेटी शिव कृपा से प्राप्त हुए। मैं सुहास अन्ना भाई को तथा अंजुम ताई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। हम बहन साधारण परिवार से हैं, सुहास भाई, सुहास जी, अन्ना जी, हम सारी बहनें साधारण परिवार से हैं, इसलिए हम कथा सुनने कहीं जा नहीं सकते थे, पर हमारी जैसी बहनों को अंजुम ताई आपने, सुहास अन्ना आपने, हम जैसी बहनों को ये कथा यहां तक लाकर सुना दी, उसके लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत आपको साधु था। हमारे क्षेत्र में ये कथा नहीं आई थी और आपके द्वारा ये कथा यहां पहुंची, उसके लिए साधु। शिव तत्व है, औघड़ी है शंकर, आपका विश्वास प्रबल हो जाए, प्रबल। फिर निवेदन करेंगे, इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी कि हमारी सास महाराष्ट्र की प्रत्येक कथा में जाती थी और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर, अर्थात मिट्टी का महत्व नहीं है, महत्व है आपकी शिव महापुराण की कथा को सुनने का, उस कथा का लाभ लेने का। और क्यों, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा बाजते हो, वहां पर दुनिया के लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो वहां शंकर भगवान के मिट्टी में क्या ऐसा। हम शिव महापुराण की मिट्टी की बात नहीं कर रहे, हम शिव महापुराण की बात कर रहे हैं। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हैं, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अच्छे व्यक्ति को किसी की बात अच्छी लगती है। आपके अंदर अगर बुराई भरी होगी ना, तो आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा बुरी ही लगेगी। पर आप लाखों की संख्या में इतने बड़े बड़े डूम लगाए गए हैं, पीछे वाले तो इतना बड़ा डूम है कि पीछे वाले तो हमको उनका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, कि चेहरे की जगह केवल उजाला उजाला दिख रहा, और तीनों डूमों की यह स्थिति है पीछे वाले। आप जरा विचार करिएगा, आप अच्छे हो ना, आपके अंदर शिव समाया है ना, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो और आपको कथा अच्छी लग रही है, भीतर से अच्छाई झलक अपने भीतर से कथा सुन। और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कहेंगे कि देखिए ये शिव महापुराण की कथा जहां होती है वो भूमि साधारण नहीं होती,
हम तो उसको कैलाश पर्वत मानते हैं, जहाँ पर कथा का रसतत्व श्रवण करने का प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जहाँ कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य मिलता। बोल नारा है, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी हो गई, बात क्या है, उपास उपास चल रहे हैं क्या, तो फिर जरा दम के बोलो ना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब निकली आवाज दमदारी से, हारा हारा, बहुत बढ़िया। जरा जम से बोलो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। अच्छे से बोलो, हारा महान। कितना डर लग रहा है, कितना डर, शिव तत्व के भीतर उतारे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को भीतर उतारे, शिव भक्ति। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, कहां द्वारकापुरी, कहां द्वारका, और कहां विदर्भ राज भीष्म की कन्या रुक्मणी, ना रुक्मणी ने द्वारकाधीश को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ को देखा। केवल रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी, रुक्मणी जी का विश्वास इतना प्रबल था, रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि द्वारकानाथ को द्वारका छोड़कर रुक्मणी को लेने के लिए विदर्भ में आना पड़ा। भक्ति, विश्वास, भरोसा, इतना दृढ़। आपके भीतर की भक्ति क्या कहती है? एक बहन यहां आई है, एक महिला आई है मनवाड़ से, मनवाड़ के पास में 20 किलोमीटर मनवाड़ के इस नांदगांव और महारा मनवाड़ में रहती हैं, इसी क्षेत्र की है, 20 किलोमीटर दूर से कोई कामना थी इनकी, देवाधिदेव महादेव ने पूरी कर दी, तो 20 किलोमीटर दूर से अपने घर से दंडवत करती 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 यहां पहुंची, दंडवत करती। मैं आमंत्रित करता हूं, अगर आए हैं, चल रही हैं, दंडवत करती आई, कोई कामना थी, किसी पंडाल में विनय करा था, मनवाड़ की हैं और बाबा से विनती कर कर यहां पहुंचे। शिव तत्व है, रुक्मणी जी की भक्ति के बल पर, रुक्मणी जी के भक्ति की प्रबलता में, रुक्मणी जी की भक्ति की प्रबलता में जब द्वारकाधीश विदर्भ आ सकते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी भक्ति के बल पर, आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपके पास आ सकता है। विश्वास, भक्ति। अजय, आपकी भक्ति के बल पर देव अधिदेव महादेव भी आ सकते हैं। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। बेलपत्र, ये जो कामना थी इनकी, 18 साल तक बच्चे नहीं हुए थे और बाबा कुबेर भंडारी को 6 साल पहले बाबा से विनय कर कर आई थी, 7 साल पहले, और बाबा की कृपा से बोला था कि मेरे नज़दीक में जहाँ कथा होगी मेरे बच्चे हो जाएं। जब पास में कथा हुई तो बच्चे छोटे थे, मैं दंडवत करती नहीं आ सकी, मेरे बाबा ने मेरी गोद में 18 साल के बाद ये 2 बच्चे दिए हैं, और छोटे थे इसलिए मैं दंडवत करती करती नहीं आ सकी थी, पर हमारे सुभाष अन्ना भाई जी ने कथा करवाई, अंजुनताई जी ने कथा कराई, उसको साधुवाद दे रही हैं कि उन्होंने नज़दीक में कथा कराई तो हम 20 किलोमीटर दंडवत करते करते यहाँ पहुँच गए। साधु शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु ओ घड़ी है, ओ शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है।
रुक्मणी जी की भक्ति का बल बढ़ गया। रुक्मणी जी की विश्वास का बल बढ़ गया, इसलिए द्वारकानाथ को आना पड़ा, द्वारकाधीश को पहुंचना पड़ा। जब हमारी विश्वास, हमारी भक्ति का बल बढ़ता है तो शिव को भी आना ही पड़ता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे विश्वास के बल पर तुम बाबा देवदीप महादेव के चरणों में झुकते हो, झुकते हो। झुकने से कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, झुकने से हमेशा प्राप्त ही हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं। एक बार एक नदी ने समुद्र से कह दिया, ए समुद्र मैं संसार की सबसे बड़ी नदी हूं, ए समुद्र मैं संसार की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, मैं दुनिया की सबसे प्रबल नदी हूं, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र मैं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, सबसे प्रबल नदी हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया। समुद्र ने मना कर दिया, समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग समुद्र तुझे क्या चाहिए। नदी को अहम था, नदी को अहंकार था, नदी को अभिमत्ता थी, नदी को अभिमान था। मांग ले तुझे क्या दिया, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं मैं तुझको। समुद्र ने फिर मना कर दिया, नदी मेरे में रतन है, माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है। समुद्र कहता है मेरे पास रतन भरा पड़ा है, माणिक भरी पड़ी, औषधि भरी पड़ी, सब कुछ मुझ में है, मुझे नदी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र तू मुझे जानता नहीं है, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र मांग ले तुझे क्या चाहिए। नदी बार 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 कर रही है, समुद्र बार बार मना कर रहा है। तब नदी का अहंकार देखा, नदी का अहम देखा, तब समुद्र ने कह दिया, नदी अगर तू देना चाहती है तो एक काम कर, हरी हरी दूबा, हरी हरी दुर्व, हरी हरी घास, हरी दुर्वा हरी घास लाके मुझे दे दे। समुद्र ने जैसे कहा तो नदी मुस्कुराई, नदी को हंसी आ, क्या रे समुद्र मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है, हरी दुर्वा हरी घास, धूप, दुर्वा। ए नदी, नदी बोल रही है समुद्र कुछ और मांग ले तुझे चाहिए। समुद्र कहता नहीं नहीं मुझे तो हरी दुर्वा चाहिए, हरी घास चाहिए, केवल दूब ला कर दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने अपनी लहर फेंकी दुर्वा को उखाड़ने के लिए, छोटी छोटी दुर्वा लगी हुई थी। नदी अपना पानी का वेग फेंकती है, अपना अहम फेंकती है, पर वो दुर्वा टूट नहीं पाती। नदी ने फिर पानी का वेग फेंका, दुर्वा टूटी नहीं, घास टूटी नहीं। आखिरी में नदी हार गई और नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुर्वा नहीं ला सकी, मैं हरी हरी घास नहीं ला सकी, मुझे क्षमा कर दे। समुद्र ने कहा, नदी मैं जानता था कि तू दुर्वा नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि उसका एक कारण है। नदी मैं तुझसे कहता कि पत्थर के टुकड़े लिया तू लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता पाषाण लिया तू पाषाण लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता लकड़ी ला लकड़ी लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता कुछ ला तू ला कर दे देती, पर दुर्वा तू इसलिए नहीं ला सकी नदी, क्योंकि दुर्वा पर पानी का वेग पड़ता था तो खड़ी हुई दुर्वा नीचे झुक जाती थी। जो दुनिया में झुकना जानता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उखाड़ कर फेंक दे। कौन थे जो झुकना जान, दुनिया में जिसने झुकना सीख लिया, झुकना अपने माता पिता के आगे, अपने बड़ों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे, अपने सम्मानियों के आगे, आपने आदर करना प्रारंभ कर दिया, सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, आदर करना प्रारंभ कर दिया, आप सत्कार करना प्रारंभ कर, आप प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, आपने झुकना प्रारंभ कर दिया, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको उखाड़ कर फेंक दे। दुनिया का सबसे बड़ा तत्व है झुकना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर देना, सत्कार करना, सम्मान करना। प्रत्येक घर के बच्चों को यह सिखाया जाए
कि झुकना सीखें। वो कहते हैं ना हमको तो इतना आता, तुमचा मुलगा मुलगी अहंकार ना करे, उनको समझाओ, अपने घर के बच्चों को समझाया जाए, अपने घर के बच्चों को ये सीख दी जाए कि दुनिया में झुकने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा अकड़ से कभी शिव नहीं मिल सकता, अहम से कभी शिव नहीं मिल सकता। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भीतर से अहमता को निकाल दो। बहुत दुख आए ना, बहुत तकलीफ आए ना, बहुत कष्ट आए ना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तू मेरा पाप काट रहा है। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख की जिंदगी चल रही हो, तो भोलेनाथ को धन्यवाद देना कि तू मेरा पाप काट रहा है। और जब बहुत आनंद की जिंदगी चल रही हो, बहुत खुश की जिंदगी चल रही हो, बहुत सुखी जिंदगी चल रही हो, तो समझ लेना कि हमारा पुण्य कट रहा है। दुख आता है पाप कटता है, सुख आता है हमारा पुण्य कटता है। आपने जो रख रखा है अपने अलमारी में उसको खर्च कर रहे हो, मतलब तुमने पुण्य बहुत सारा इकट्ठा कर लिया इसलिए सुख की जिंदगी जी रहे हो, तुमने पुण्य इकट्ठा कर लिया इसलिए आनंद की जिंदगी जी रहे हो, उस आनंद की जिंदगी में समझ लो तुम्हारा पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। तो ये तुम्हारा हमारा सबका फर्ज है। अगर बाबा ने तुम्हें सुख दिया है, बाबा ने तुम्हें धन दिया है, बाबा ने तुम्हें वैभव दिया है, बाबा ने तुम्हें सत्ता दी है, बाबा ने तुमको सब कुछ दिया है, तो ये आपका और हमारा फर्ज है कि हम हमारे पुण्य को और बढ़ाएंगे। तो पुण्य अगर थोड़ा चले भी गया तो दूसरा पुण्य हमारे पास में रहना चाहिए। दुख आया पाप कटा, सुख आया पुण्य कट रहा है, उस पुण्य को और बढ़ाओ, उस पुण्य को और बढ़ाने का प्रयास करो। एक पत्र मिसो जयश्री संजय निकम, उम्र है 42 साल, गांव मालेगांव, जिला नासिक, ये नांदगांव हमारे क्षेत्र का। गुरुदेव मुझे 21 साल की एक लड़की है और 14 साल का एक लड़का है। 21 साल की एक लड़की है, 14 साल का एक लड़का है, मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरा लड़का जिसका नाम ऋषिकेश, हॉस्टल में उसको पढ़ने के लिए भेजा था बाहर। गुरुदेव कोरोना काल में मेरा कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, आप ही बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाइए। कोरोना काल में मेरे बच्चा हॉस्टल से वापस घर आ गया और उसकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई, जो पढ़ाई उसकी मोबाइल पर चल रही थी। मोबाइल पर पढ़ाई करते 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 वो कब किसी साइबर में उलझ गया और साइबर क्राइम में उलझने के कारण बस मेरा 14 साल का बेटा खुदकुशी कर लिया। मेरी एक 21 साल की लड़की है, दूसरा लड़का 14 साल का जिसका नाम ऋषिकेश था, हॉस्टल में पढ़ता था, घर आ गया कोरोना काल में, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई, मोबाइल पे पढ़ता पढ़ता साइबर क्राइम में फंस गया। साइबर क्राइम में कब फंस गया हमको मालूम नहीं पड़ा गुरुदेव, और मेरे लड़के ने घर में ही खुदकुशी कर ली। मेरा 14 साल का लड़का मर गया गुरुदेव, मोबाइल के जाल में मेरा बेटा ना जाने कैसे फंसा और उसके दोस्तों ने कैसा फंसाया और उसने सुसाइड कर लिया। मेरा हंसता खेलता परिवार नाश हो गया, वंश का दिया चले गया। बहुत रोती थी गुरुदेव मेरी बड़ी लड़की 21 साल की, वो भी रोती, 14 साल का भाई चले गया, हम भी रोते, रोज शिव मंदिर जाते। आपकी कथा ने मुझे हिम्मत दी है गुरुदेव, नहीं तो मर जाती मैं भी अपने बेटे के लिए। और रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी के मंदिर पर जाकर रोज धोक लगाती, प्रणाम करती, मेरा बेटा तूने लिया है, मेरे बेटे को अब तू दे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब मैं मां नहीं बन सकती क्योंकि मेरी उम्र बहुत हो गई थी, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा भोलेनाथ लेता भी है तो देता भी है, मेरे शंकर ने वापिस मुझे दिया। अजब, मेरे शिव ने मुझे दिया, मेरे शंकर ने वापिस मुझे प्रदान किया, मेरे शंकर वापिस मुझे दिया। मैं किसी से नहीं कही गुरुदेव, पत्र में लिखा है केवल एक, केवल शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती थी और शिव से कहती थी मेरा 14 साल का बेटा चले गया।
डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं कभी जिंदगी में अब माँ नहीं बन सकती, अब तू जान तेरा काम जाने, और बाबा ने मुझे वापिस मेरा बच्चा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने की, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी पाई बसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो उठा लो। पत्र में लाइन लिखी है गुरुदेव, किसी का बच्चा जिंदगी में मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। मेरा बेटा 14 साल का चले गया, आज मेरा घर पूरा खाली हो गया। मेरी बेटी ने पहली बार आपकी कथा टीवी पर देखी और मुझसे कहा, माँ सियोर वाला महाराज कहता है कि कोई खाली नहीं जाता, तो तू और मैं दोनों शंकर की आराधना करेंगे। और बाबा ने 14 साल का बेटा गया तो बाबा की कृपा से डॉक्टर तो मना कर दिया, पर बाबा ने फिर दे दिया। शिव तत्व, शिव तत्व है। कभी विचार करिएगा, 21 साल की बेटी हो, 14 साल का बेटा हो, किसी उलझन में पड़ गया मोबाइल के चक्कर में। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, भारत की भूमि के, मेरे देश के इन सपूतों से, इन बेटा बेटियों से निवेदन है, आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल पढ़ने के लिए दिया है। आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल कहाँ हो माता पिता को मालूम पड़ जाए वो सूचना के लिए दिया है। आप अपने माँ बाप को कभी धोखा मत दो, किसी दोस्त के चक्कर में साइबर क्राइम के अंतर्गत कोई मोबाइल से ऐसा गलत काम मत कर देना कि तुम्हारे माँ बाप को भी नीचा देखना पड़े और तुम्हें भी कुछ ना कुछ मालूम पड़े, जीवन में दुख झेलना पड़े। बच्ची है, आपको स्वयं बचना है। मेरे नवयुवक बेटा बेटी, आपको स्वयं बचना है, कोई दूसरा नहीं बचाएगा, आपको स्वयं बचना है। स्वयं विश्वास, भरोसा, एक लाइन नीचे लिखी है, मैं भिखारी हूं जिंदगी का, आप ही सहारा हो मेरे महादेव, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, मेरा हृदय तेरे सहारे है। हम जब पूर्ण तरह से उस शिव के आश्रित हो जाए, उस शिव के, शिव कैसे ना समाए, लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आपकी शिव पुराण में कुछ है क्या, आपकी शंकर की कथा में कुछ है क्या, आपकी शिव महापुराण की कथा में क्या है। दुनिया के लोग टीवी पर कथा सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते, पंडाल में कथा सुनते, लाखों की भीड़ कथा के अंदर आती है और पत्र उत्ते की उत्ते ही कभी कम नहीं होते, पत्र की पत्र बढ़ते चले जाते हैं। आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है, हम आपसे भी कहेंगे दिल से, 7 दिन की शिव पुराण है, अगर दिल से सुन ली, दिमाग से नहीं, दिमाग से दुनिया रीझती है, दिल से मेरा महादेव रीझता है। दोस्तों के साथ दिमाग लगाइए, परिवार के साथ दिमाग लगाइए, रिश्तेदारों में दिमाग लगाइए, पर शंकर को भजने में दिमाग नहीं दिल लगाइए।
मेरे शिव को तुम्हारा दिमाग नहीं चाहिए, मेरे शंकर को तुम्हारा दिल चाहिए। दिमाग दूसरी जगह लगा। ये तो छोटे छोटे शब्द है ना जो तुम व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे यूज करते रहते हो। आई मिस यू और लव यू और ये यू और वो यू, ये तुम्हारे जो शब्द है ना ये मोबाइल तक अच्छे लगते हैं, पर जिस दिन मेरे शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ ना, ये मिस यू और ये लव यू सब दूर रखो, उसको गले लगा कर कहो मैं तेरा और तू मेरी है, बाकी का संसार सब है। सारा संसार मैं तेरे आश्रित। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। संबंध शिव से, रिश्ता शिव से जोड़, विश्वास के साथ जोड़, भरोसे के साथ जोड़, विश्वास के साथ भरोसे के साथ। क्यों नहीं मिलेगा शिव? जब भरोसा दृढ़ होगा शिव तत्व जरूर मिलेगा। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के साथ में एक पर्वत की घर्षण करते हैं, शिवलिंग उत्पन्न हो जाता है, चरण देखने के लिए भगवान नारायण जाते हैं, शीश देखने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं, नारायण का नाम सत्यनारायण पड़ जाता है और ब्रह्मा जी का सिर कट जाता है। कारण क्या था? क्योंकि नारायण शिव को पहचान गए थे, ब्रह्मा शिव को पहचान नहीं पाए थे। ब्रह्मा शिव को नहीं पहचानते। नारायण झुकना जानते थे, प्रणाम करना जानते थे, आदर करना जानते थे, सम्मान करना जानते थे, सत्कार करना जानते थे, इसलिए नारायण सत्यनारायण बन गए। अभी कथा में कहा समुद्र से नदी ने कहा कुछ मांग, समुद्र ने दुर्बा मांगी, दुर्बा टूटी नहीं नदी, दुर्बा उखाड़ नहीं सकी नदी, उखाड़ नहीं पाई, क्योंकि दुर्बा झुक जाती थी, दुर्बा नीचे नब जाती थी, झुकना सीख लो प्रणाम करना। महाराज ब्रह्मा जी का सिर कटा, शीश कट गया ब्रह्मा जी, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया और ब्रह्मा जी के मुख ने झूठ बोल दिया, तो तीनों को श्राप। केतकी का फूल शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ता, गाय ने झूठ बोला तो मुख अशुद्ध मान लिया, अशुद्ध। गौ माता तो झूठ बोल रही है, ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हो, सत्यमय जिंदगी जी, थोड़ा सत्य। आज का जमाना पूरा झूठमय जिंदगी का हो गया, पूरा झूठ। हमने कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, कथा में कहा था मोबाइल आया, पंचांग खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में पंडित जी पंचांग देखते थे, पंचांग खोलते थे, आज के जमाने में मोबाइल पर देख पता, ये तिथि, ये बार, ये नक्षत्र, ये घड़ी, ये पल, मोबाइल में देखा बता दिया। मोबाइल आया पंचांग खत्म, मोबाइल आया टार्च खत्म। पहले के जमाने में लोग जेब में टार्च डाल के चलते थे, अंधेरा हुआ टार्च जला, आज के जमाने में मोबाइल लेकर चलते, मोबाइल की लाइट जलाई टार्च उत्पन्न हो गई। मोबाइल आया पंचांग खत्म, मोबाइल आया टार्च खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म। पहले लोग रेडियो लेकर चलते थे, छोटा सा कान में लगाया सुनते रहे, सिग्नल भी मिलाते थे, सिग्नल कभी कभी यहां नहीं मिलता था तो वहां बैठ जाते थे सिग्नल मिलाने, खेत में बैठ गए ऊपर चढ़ गए, ये सिग्नल है, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है पंडाल में बैठकर कथा सुनो, यहां सिग्नल अच्छा मिलता भगवान से।
सिग्नल नहीं मिला। मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म। लोग वहाँ का इतनी बड़ी बड़ी टीवी में लगाते हैं, कैसेट लगाते हैं, फिर फिल्म देखते हैं, सब खत्म। मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया पंचांग खत्म, मोबाइल आया टार्च खत्म, और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया, तुम खत्म। मोबाइल है, इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधानी मोबाइल। इसलिए पति देख लेता है सोई कि नहीं सोई, जब ये सो जाती है ना तब मोबाइल को तकिए के नीचे धर के फिर सोता, फिर सो। और ना जाने कौन कौन सा लॉक मोबाइल के अंदर, भगवान जाने कौन कौन सा लॉक। लोग कहीं स्माइल का लॉक, कहीं कोई सा लॉक, कहीं कोई सा लॉक, कहीं कोई सा लॉक। एक पति ने अपने मोबाइल में लॉक लगाया था अपने पांव के मोजे का, पांव के मोजे का। सावधान, शिव को पाना, सत्यता का जीवन बहुत लंबा नहीं जी सकते, थोड़ा सा जीवन। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मैं 2 घंटा सत्य बोलूंगा, पर वो किसी को मत बताना, खास तौर से पत्नी को मत बताना कि सत्य बोलूंगा। और एक आध दिन पत्नी तुम सत्य का व्रत लेकर बैठ कर वो आके बैठ गई तुम्हारे पास में और उसने सब कुछ पूछ लिया, तो सत्य तो जाने तो सत्यनारायण जी की कथा हो जाए। सत्य बोलो, एक क्षण का, एक घड़ी का, एक पल का, एक क्षण का। भगवान नारायण ने सत्य बोला, सत्यनारायण नाम पड़ गया। ब्रह्मा जी ने असत्य बोला, शीश कटा, बड़का पेड़ बन गया। ब्रह्मा जी के शीश कटे हुए जल से, उनके रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हो गया। कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिस नदी के घाट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है, इस नदी पर हाथ ना धोइए, इस नदी पर स्नान ना करिए, क्योंकि यह कर्मनाशा है। भारत की भूमि की मात्र एक नदी कर्मनाशा ऐसी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, क्योंकि उस नदी में अगर कोई पानी पी ले, स्नान कर ले, हाथ धो ले, मुंह धो ले, तो वो नदी में स्नान करने वाले की जिंदगी के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, पूरा कर्मनाश हो जाता है। इसलिए उसका नाम है कर्मनाशा, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी थी। कर्मनाश ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर विनय करा, प्रभु कृपा करिए, थोड़ी सी क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने क्षमा करा, ब्रह्मदेव का जो कटा हुआ सिर है यह बड़का पेड़ बन जाएगा, इसी का नाम वटवृक्ष हो जाएगा। वटवृक्ष, हाँ, कौन पूछेगा? शंकर भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगा और मेरा एक नाम दुनिया में प्रसिद्ध होगा जिसका नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बटकेश्वर, एक नाम प्रसिद्ध होगा जिसका नाम बटकेश्वर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। सृष्टि की रचना के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा, भगवान सृष्टि की रचना के लिए अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कराते हैं।